उम्मीदवार भी आपके वार्ड में एक हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है, जी जी, तो किससे मुकाबला मानते हैं? मुझे तो किसी के साथ अपना मुकाबला, मैं तो सबसे आगे नज़र आ रहा हूँ। बाकी जो और जो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो अपने 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथ में ये बात आ रही है सामने कि जैसे आप भी चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि अनिल यादव, एक और अनिल यादव नहीं, अनिल के नाम से, अनिल कुमार, अनिल कुमार के नाम से खड़े, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि तो ये मानता हूँ कि मेरे जो 16 गांव की सरदारी है वो बहुत ही समझदार है, और उन्होंने आज से 3 दिन पहले ही पता लग गया था कि एक अनिल कुमार डम्मी कैंडिडेट किया खड़ा किया गया है, क्योंकि जब उन्होंने उसके पोस्टर लगाए तो कहीं भी उस कैंडिडेट की फ़ोटो नहीं लगाई, और जो भी मेरा जो फ्लैक्स का जो डिज़ाइन था उन्होंने सेम डिज़ाइन उठाया ताकि लोगों को बहकाया जा सके। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूटर का है, और उन्होंने वही मेरे से मिलता जुलता ही चुनाव चिन्ह लिया जो कि रिक्शा का है। पर वही मैं कहना चाहूँगा, मेरे 16 गांव की सरदारी बहुत ही समझदार है, किसी के बहकावे में या किसी के षड्यंत्र में नहीं आएगी। उन्हें मालूम है कि उनके बेटे, उनके भाई का चुनाव चिन्ह स्कूटर है और 2 नंबर पर है। अब सुनने को ये भी मिला था और देखने को मिला था कि रातों रात इस तरह के पर्चे बंटवाए गए कि अनिल ने दूसरे कैंडिडेट का समर्थन कर दिया, बस ये भी आया था कि आपकी सभाओं में भी इस तरह से मेरी सभाओं में भी पर्चे बांटे गए, और आज रात को तो मतलब हर गांव में एक पिकअप घूमी है, और जिन्होंने मतलब फेंक के गए हैं, और कई जगह तो उन्होंने क्या किया, अपने तो न्यूज़पेपर फेंक के गए हैं और मेरे जो फ्लैक्स लगे थे उनको उतार उतार कर अपनी पिकअप में भर कर ले गए हैं। तो अब क्या मानते उसका प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत या क्योंकि? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें ना आज से 15-20 साल पहले होती थी कि लोग जागरूक नहीं होते थे, अब हर आदमी, हर एक बच्चा तक जागरूक होता है कि कौन खड़ा है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ये पुरानी बातें हो चुकी, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रचार कैंपेन के दौरान एक चीज़ देखने को मिली, जो विरोधी हैं आपके वो ये कहते हैं कि वो जीतते हैं लेकिन बाहर जाके रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं है, ये सारी चीज़ें इस तरह की बातें आती हैं। मतलब ये चुनाव प्रचार में तो लोग किसी ना किसी को कमी निकालते हैं। मैं हमेशा अपनी 16 गांवों की हमेशा बीच में रहा हूँ, हमेशा इनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। ऐसा कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि जो दुष्प्रचार करने को तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने गाँव के साथ रहा हूँ, 16 गांवों के साथ रहा हूँ। एक राव इंद्रजीत जी, हालांकि खुले तौर पे नहीं, खुले तौर पे ही आ गए क्योंकि अजय पटौदा आपकी सभा में आए थे, तो क्या मानते हैं कि उससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? पूरा उनका पूरा प्रभाव है हमारे क्षेत्र पे, दक्षिण हरियाणा पे पूरा प्रभाव है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है। एक साथ में जिला प्रमुख की बात आती है क्योंकि जिला प्रमुख पे अब जिले में 18 वार्ड है, तो सभी ये कह रहे हैं कि इस बार हमारा नंबर आएगा, आप ये कह रहे हैं हमारा, तो किस भाव पे आप ये चीज़ें कह रहे हैं? नहीं, मुझे मेरी जनता पे और पूरा विश्वास है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिला प्रमुख की लड़ाई लड़ेंगे और जिला प्रमुख बनेंगे।